प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और क्या कहते हैं, सभी स्वस्थ होंगे। तो फाइनली हमने अपना YouTube पे लाइव पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों। और देखिए, जैसी भी सिचुएशन है, आज नहीं तो कल वो नॉर्मल होगी ही होगी। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों के साथ अडेप्ट करें, बदलें, समय के साथ बदलें। जो भी सिचुएशन है वो थोड़े दिन के बाद प्रोबेबली अक्टूबर तक, नवंबर तक उम्मीद करते हैं हम नॉर्मल हो जाएगी। अगर नॉर्मल नहीं भी होगी तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री आपको पूरी फिजिक्स ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन आप बिल्कुल डरे नहीं किसी भी चीज़ से। अभी कुछ पता नहीं है CBSE कब आपके पेपर लेगी। जैसे कि मार्च में आपका सेशन शुरू होता था, मतलब पेपर होते थे, तो हो सकता है आपकी बार थोड़ा डिले देखने को मिले। हो सकता है आपका मई जून के आसपास पेपर हो, फाइनल एग्ज़ाम, और थोड़ा बहुत कोर्स में भी डिडक्शन या एडिशन हो सकता है, क्योंकि पिछले साल हमने कम्युनिकेशन को डिलीट कर दिया था CBSE गाइडलाइन ने, और प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर का भी कुछ पोर्शन डिलीट हो गया था। तो ओवरऑल हमारी 10 यूनिट हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं फिजिक्स के अंदर। और मैं आपको फ़िलहाल 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ाऊँगा, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो 12th की मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? और 12th की फिजिक्स के बाद जैसे जैसे हमारी, जैसे जैसे आप लोग प्रमोट करेंगे, वैसे हम 11th को भी शुरू करेंगे। लेकिन पहले हम 12th से ही शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अभी 11th वाले तो डिसाइडेड है ही नहीं कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। तो बाकी देखते हैं, आप चिंता मत करो। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो कोई भी है, जो कोई भी आपके जानने वाले हैं, टीचर हैं, कोई भी है, कोई भी जो पढ़ा रहा है, उसको बताएं कि हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और अगर वो हमसे सीख सकते हैं कुछ तो ज़रूर सीखें। और देखिए, वे कोई आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है ऑनलाइन भी, आजकल टीचिंग बहुत अवेलेबल है, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं। तो अगर आपने कोई कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है तो आप फिर भी हमारी वीडियो देखें, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और कोई ना कोई बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेगी। तो हम, आज हमारी पहली वीडियो है, तो हमसे कोई अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि हम कभी 11 साल मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाया सॉरी और 11 साल ऑफलाइन पढ़ाया है। टीचर के बच्चे जो हैं एनर्जी होते हैं, अब हमारे पास बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल खाली एम्प्टी रूम है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको एंथुजियाज़म में थोड़ी कमी महसूस हो, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे इसके साथ अडेप्ट कर लेंगे। आप चिंता ना करें, जैसा आपका फेवरेट टीचर मैं रहा हूँ हमेशा से, बढ़िया, मैंने बेस्ट हमेशा आपको दिया है, तो आने वाले टाइम में भी मैं आपको बेस्ट ही दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम धीरे 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 पढ़ेंगे और बिल्कुल मैं आपको आराम से पढ़ाऊँगा, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कैसे स्कोर हाई करना है फिजिक्स के अंदर, कैसे आप नंबर लेंगे फिजिक्स के अंदर, और फिजिक्स में स्कोर करने का तरीका क्या है। मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप एक वीक स्टूडेंट भी हैं और आप ढंग से जो मैं बात बताता हूं उनको फॉलो करते हैं, तो गारंटी है कि आपके 90 क्रॉस मार्क्स होंगे ही होंगे। दूसरी बात ये है बच्चों, देखो, जो भी मैं आपको कंटेंट यहाँ पर पढ़ाऊँगा उसकी PDF, फ़िलहाल हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, एक दो वीडियो के बाद मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, तो आप सभी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल से आप PDF वगैरह ले लें। बाकी जो हमारे ओरिजिनल बच्चे हैं उनको हम PDF दे रही हैं पहले से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे हम टेलीग्राम चैनल भी बना देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लें। और प्यारे बच्चों, अब देखो, हमारी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बढ़िया यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं कि भाई, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ढंग से सीख ली वो 90 क्रॉस कर जाता है, और ये रियलिटी भी है। तो कम से कम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ढंग से सीखनी है। उसके बाद करंट है, तो करंट भी हमारी बहुत मेन यूनिट है, और नेक्स्ट हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, और अगली EMI है, EMI और AC। तो प्यारे बच्चों, है कुछ नहीं, एक सिंपल सी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को सीखें। तो सबसे पहले शुरू होते हैं, और आप ध्यान दें कि देखो, हमारी पहली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरे ख्याल में सबको विजिबल होगा,
अब आप ध्यान दें कि सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही शुरू होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही ख़त्म हो जाता है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरे ख्याल में अब 2 महीने हो चुके हैं, आप स्कूल से भी कुछ ना कुछ कंटेंट मिल रहा होगा आपको, और कई चीज़ें हैं जो आपको मिल रही होंगी, हर जगह ऐसे आपको चीज़ें अवेलेबल हैं, और आप फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे। 12th वाले सीरियस बच्चे तो ज़रूर पढ़ रहे होंगे। अच्छा, एक और बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे थे मेरे से कि सर आप जो है थोड़ा सा डिले कर दिया आपने। तो देखो, डिले का भी कारण है, हमारे पास चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी, तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ ही नहीं सकते थे। अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो ही हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं। देखिए, बात को समझें, ऑनलाइन पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑनलाइन मैं आपको एक PDF पर भी पढ़ा सकता था, लेकिन अगर मैं PDF पर पढ़ाता हूँ तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी चीज़ें सीखी। PDF में बच्चों को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक टीचर आपके फेस टू फेस नहीं होता तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो हम आज आपके फेस टू फेस हैं पूरी तरह से, तो चौक एंड टॉक पुरानी कहावत है, इज़ द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। तो आज भी मेरे ख्याल में वही बेस्ट है, जहाँ तक मुझे लगता है। PDF भी है, एनिमेटेड वीडियोस भी हैं। तो जो प्यारे बच्चों मुझे सबसे अच्छा लगा, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे पास अभी जो सुविधाएँ हैं मैं उसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी पहली यूनिट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि हर बच्चा जानता है, सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है प्यारे बच्चों चार्ज, ठीक है। और चार्ज जो है, अगर किसी से पूछा जाए कि चार्ज क्या है, तो मेरे ख्याल में आपने पढ़ी भी होगी डेफिनेशन, नहीं पढ़ी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी होगी मेरे ख्याल में। लेकिन चार्ज आप सभी जानते हैं कि चार्ज एक ही चीज़ है प्यारे बच्चों, कि डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी बॉडी के ऊपर डेफिशिएंसी हो जाए या एक्सेस हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, चार्ज कहा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दें, हम कंसिडर करते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल जिसके अंदर हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी का नाम बी है। दोनों पूरी तरह से न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल होने का मतलब है जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस चीज़ को आप ढंग से समझें कि जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही क्या, हाँ भाई, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो मैं पहले चार्ज को बता रहा हूँ, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। थोड़ा सब्र रखें बस, ठीक है। थोड़ा पेशेंस आप रखेंगे तो आप सारी चीज़ें सीखेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसकी पूरी गारंटी है। तो आप देखें, सबसे पहली बात ए है और दूसरी बॉडी क्या है, बी है। हम मानते हैं कि हमने कोई ऐसा मीन अपनाया जिससे एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के अंदर चला गया। अब मेरे ख्याल में हर बच्चा जानता है दुनिया का कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसमिशन होता है, पॉजिटिव चार्जेस का ट्रांसमिशन नहीं होता। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम ये प्रोटॉन्स कह रहे हैं, प्रोटॉन्स का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप थोड़ा सब्र रखें। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, तो अगर आप देखें तो ये बॉडी कम्प्लीटली हमारी कैसी है, थी पहले न्यूट्रल थी, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इसको न्यूट्रल कर देगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा, और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। एक पॉजिटिव इसको न्यूट्रल कर देगा और ये इसको न्यूट्रल कर देगा। तो कुल मिला के हमारा यहाँ पर हुआ क्या कि जो बॉडी ए है वो पॉजिटिव 1 हो गई, और जो बॉडी बी है प्यारे बच्चों वो नेगेटिव 1 हो गई, ठीक है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि बोथ ए एंड बी बिकम चार्ज। तो ये कहा जा सकता है कि ए और बी दोनों ही क्या हो गई हैं प्यारे बच्चों, चार्ज्ड हो गई हैं, चार्ज बॉडी अब हमारी हो गई हैं। तो आपने समझा कि चार्ज जो है एक्चुअल में हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी के पास पहुंच गया। तो ध्यान से देखें आप कि हम चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज है क्या, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। डेफिनेशन वेफिनेशन आप सबको PDF में मिल जाएंगी, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन जो भी मैं डेरिवेशन वगैरह जो कुछ भी न्यूमेरिकल जो कुछ भी कराऊंगा आपको सब PDF में मिलेगा, तो ये बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। PDF मेरी हैंडमेड है प्यारे बच्चों, इतनी बड़ी टीम हमारे पास अभी है नहीं कि मैं आपको कंप्यूटर रिटर्न दूँ, तो जो कुछ भी है फिलहाल बेस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो
प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें सभी कि हमने यहाँ पर क्या किया कि इलेक्ट्रॉन इसमें तो हो गई भाई हमारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन के, और इसमें क्या हो गई डेफिशिएंसी यानी कमी हो गई। तो यहाँ डेफिशिएंसी और यहाँ क्या हो गया है एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है सबकी समझ आ रहा है शाबाश। तो अब चार्ज की बात आ रही है, अब ध्यान दें आप सभी ये चार्ज है क्या। देखो पूरी 12वीं पूरी 12th क्लास चार्ज से ही शुरू होगी बच्चों और चार्ज पर ही ख़त्म हो जाएगी, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा सब्र करना और एन्जॉय करना चीज़ को, ठीक है। तो पूरी की पूरी 12th क्लास चार्ज पर ही शुरू होगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, और चार्ज पर ही ख़त्म हो जाएगी, यानी हमारी शुरुआत होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रो हमारी सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट EMI AC फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑप्टिक्स फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर फिर तीसरा एटम न्यूक्लियाई और 9th हमारी सेमीकंडक्टर है। तो आप थोड़ा ध्यान दें और चीज़ों को समझें। चलो तो देखो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों यहाँ तक की, तो यहाँ पर देखें एक चार्ज जो है पैदा होता है, ठीक है। तो हम कहानी के तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। एक चार्ज पैदा होता है और आप देखें ध्यान से भाई किसी के घर चार्ज का जन्म होता है, हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। अब चार्ज जो है फिलहाल रेस्ट में है, ध्यान से देखना। तो चार्ज जो है रेस्ट में है प्यारे बच्चों, मैं हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा, कई चीज़ें जो हैं अभी आपको नहीं आ रही लेकिन धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। तो देखें चार्ज का जन्म हुआ, किसी के घर चार्ज पैदा हुआ और उसका नाम था पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज था प्यारे बच्चों? वो पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें अब पॉजिटिव चार्ज, जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस ब्रांच को प्यारे बच्चों हम इलेक्ट्रो कह रहे हैं। तो जब चार्ज हमारा रेस्ट में है तो उस ब्रांच को क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रो, या फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स आपको पता ही है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, ओके। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तब उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पूरा थ्रू आउट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे, उसमें चार्ज को हम रेस्ट पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। कंसिडर किया जाता है बच्चों, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले आप समझें कि कंसिडर किया जाता है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्ज पैदा हुआ भाई किसी के घर, अब चार्ज पैदा हो गया यार तो चार्ज तो चलना सीखेगा ना, तो अब चार्ज को चलना सीखना पड़ेगा और चार्ज को अब चला रहे हैं। तो चार्ज जब चलना शुरू करता है तो प्यारे बच्चों बच्चा बच्चा दान जानता है दुनिया का कि आप सभी जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट। तो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम की यूनिट डेवलप होती है। तो यानी जब ये चार्ज या ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक की, हम इलेक्ट्रॉन से ही डिनोट करते हैं सब कुछ, तो यार ये चलना सीखता है, इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों वो क्या कर रहा है? चलना सीख रहा है। तो आप ध्यान दें सभी, अब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग गया, इलेक्ट्रॉन चलने लग गया। तो आपने 10th तक पढ़ा है कि जब भी चार्जेज या फिर जब भी चार्जेज चलते हैं तो क्या होता है? करंट पैदा होता है। या फिर आपने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन के बजाय हम यूज कर रहे हैं होल्स, कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, फ्लो ऑफ चार्जेज, तो इलेक्ट्रॉन और होल के लिए हम कंबाइन वर्ड यूज करेंगे बच्चों चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्जेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे बच्चों दूसरी यूनिट में हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, होल भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, होल क्या होता है अभी आपको नहीं पता है, थोड़ा टाइम बीतेगा तो आप सभी सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया, फिर थर्ड यूनिट आती है प्यारे बच्चों। तो थर्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं, और थर्ड यूनिट है हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो थर्ड यूनिट है प्यारे बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है, तो ढंग से समझें चीज़ों को। अब देखें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, देखो तो एक HC ओर्स्टेड नाम के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन्स या जब भी करंट
किसी वायर से चलता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसको आपने देखा होगा, राइट एंड थंब रूल से डायरेक्शन दी जाती है। मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, ऐसी ट्रिक जबरदस्त आपको सिखाऊंगा कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, जैसे बच्चों को रेजिस्टेंस से डर लगता है, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल करने से डर लगता है। टेंथ में आपके भाई बहन हैं तो उनको भी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी जब मैं पढ़ाऊँ वो वीडियो दिखाएं, रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करते हैं। आपको ऐसी बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आपको यूनिक चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो जब भी हमारा करंट चलता है तो प्यारे बच्चों उसमें क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब भी करंट चलता है तो क्या पैदा होती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ा है, आपने एसी जनरेटर डीसी जनरेटर के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो जब भी हमारे वायर से करंट शुरू होता है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। आपने छोटी क्लासों में सीखा है कि राइट एंड थंब रूल से हम उसकी डायरेक्शन देते हैं, तो राइट एंड थंब रूल से डायरेक्शन दी जाती है। और भी कुछ मेथड हैं जो मैं आपको नई नई टेक्निक जो हैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक के बारे में एचसी ओरस्टेड ने डिस्कवर करा था। वैसे सबसे पहले जो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बताया वो विलियम गिलबर्ट थे। विलियम गिलबर्ट जो हैं प्यारे बच्चों, जो हैं भाई क्वीन एलिजाबेथ के 16th सेंचुरी के अंदर जो हैं घर के वैद्य थे, या फिर हम पर्सनल डॉक्टर बोल सकते हैं, तो इस तरह से थे। थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट है। तो देखो, चार्ज ने पैदा हुआ, चार्ज ने चलना सीखा, अब चार्ज जो है मूव कर रहा है, तो हमने थोड़ी डिस्कवरी कर ली, साइंटिफिक रिसर्च कर ली। अब हम आगे पहुंचते हैं तो हम फोर्थ यूनिट पर आते हैं प्यारे बच्चों, और फोर्थ यूनिट हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो उसका नाम है ईएमआई, फोर्थ यूनिट है प्यारे बच्चों, फोर्थ यूनिट, ठीक है, बहुत बढ़िया यूनिट है, ईएमआई एंड एसी। तो प्यारे बच्चों, ईएमआई एंड एसी, अब इस बात को समझ लें कि चार यूनिट आपको अगर आ गई तो गारंटी है कि आपके नंबर सीबीएसई बोर्ड में नहीं कटेंगे। ये चार यूनिट जिसने अच्छे से सीख ली उसके 100 में से 100 ही नंबर आते हैं। आप किसी अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जिसने 12th में अच्छा स्कोर करा है, किसी से भी बात कर लें आप कि ये चार यूनिट जिसको अच्छे से आती हैं वो बढ़िया स्कोर कर सकता है। तो ईएमआई की बात करते हैं, ईएमआई एसी की बात करते हैं। तो देखो, अब यार ये क्या है, चार्ज पैदा हुआ, चार्ज ने चलना सीखा, अब चार्ज जो है मूव कर रहा था तो हमें पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड है। अब चार्ज जो है शरारत करना शुरू करेगा, शरारती बच्चा बन जाएगा वो, है ना। तो वो शरारत करेगा तो मतलब ऑसिलेट करेगा। तो जब वो ऑसिलेट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ऑसिलेट, तो वो क्या करेगा प्यारे बच्चों, ऑसिलेट करता है तो उससे क्या होता है भाई, हमारा अल्टरनेटिंग करंट पैदा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है, जिसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक मैग्नेट होती है जो टू एंड बैक एंड फोर्थ का मोशन करती है, जिससे फ्लक्स चेंज होता है। आपको अभी नहीं पता इन चीज़ों का, पता लग जाएगा, लेकिन है कुल मिला के यही कि अब चार्ज क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है प्यारे बच्चों आपको थोड़ा बहुत नॉइज आए, क्योंकि एक फ़ैन चल रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी गर्मी बहुत है यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है, आप प्यारे बच्चे हैं, थोड़ा मेरे लिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखें, ईएमआई एसी की बात है। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जितना चार्ज ऑसिलेट करेगा, बैक एंड फोर्थ का मोशन करेगा, उतना ही क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर एसी पैदा होगा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का अल्टीमेटली मतलब क्या है, देखो, निकोला टेस्ला की खोज है ये, और ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, और मेरे ख्याल में मैं उनसे बड़ा किसी को नहीं मानता, ठीक है। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन थे, कभी आपको टाइम होगा तो ज़रूर मैं उसके ऊपर एक स्पेशल से वीडियो बनाऊंगा, टेस्ला के बारे में आपको बताऊंगा, ट्रिब्यूट होगा वो टेस्ला के लिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर हम किसी को कहें साइंटिस्ट में, मॉडर्न फिजिसिस्ट में, तो वो निकोला टेस्ला हैं। निकोला टेस्ला का कोई मैच नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें, ईएमआई एसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट जब एक बार क्लॉकवाइज चले और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चले, यानी ऑसिलेट करे, हुआ क्या। अब आप सभी जानते हैं कि करंट क्या है, करंट जो है इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ऑसिलेट आप समझते हैं, जैसे झूले पे आप झूलते हैं, झूले पे बैठ के आपको झुलाते हैं, तो वो ऑसिलेट होता है। आप बचपन में झूले होंगे तो वो ऑसिलेट होता है, ठीक है। तो आप इधर से इधर, इधर से इधर झूलते हैं, तो वो ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो एसी हमारा पैदा होता है। अब देखिए, फोर्थ यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप ध्यान से कहानी को सुनते जाएं, कहानी बहुत बढ़िया है प्यारे बच्चों। अब फिफ्थ यूनिट में आते हैं, और फिफ्थ यूनिट है हमारी ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स बहुत ही प्यारी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है,
एक दो क्लास इसमें लगेंगी ज्यादा से ज्यादा, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो तो क्या था, चार्ज ऑसिलेट होने लग गया है प्यारे बच्चों। अब चार्ज ऑसिलेट हो चुका है, तो चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, तो ऑसिलेट होने के बाद क्या पता लगाया हेनरी हर्ट्ज ने, हर्ट्ज ने डिस्कवर करा था प्यारे बच्चों, और हर्ट्ज से पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कवरी इसके ऊपर चल रही थी, तो आप कह सकते हैं हेनरी हर्ट्ज को बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप। लेकिन हमारी ईएम वेव्स जो हैं बनानी शुरू जो है टेस्ला के प्रिंसिपल से होती है, मैं आपको जब फोर्थ यूनिट पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दें आप सभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो हर्ट्ज ने क्या पता लगाया कि जब कभी भी हमारा ये जो चार्ज है, ये शरारती बच्चा, ठीक है, आपको दिख ही रहा है कितना स्मार्ट मैंने बनाया है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लें प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा ड्राइंग की भी मेरे को कोचिंग लेनी पड़ेगी, बदलते दौर के साथ बदलना तो पड़ेगा ही। तो अब देखें कि अब अगर ये यार हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ऑसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑसिलेट, तो अगर चार्ज ऑसिलेट करना शुरू करता है, यानी एक बार इधर जाता है और एक बार इधर जाता है, ठीक है, तो चार्ज जो है ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेटिंग चार्ज क्या करता है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेटिंग भी आप बोल सकते हैं, डीएक्सेलरेटिंग भी बोल सकते हैं, तो मैं ऑसिलेटिंग वर्ड यूज कर रहा हूं जो बेस्ट है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज एक फोटोन को पैदा करता है, और फोटोन आपने 11th में केमिस्ट्री में पहली बार पढ़ा है, तो वो है वैसे फिजिक्स का टॉपिक सारा, लेकिन आप समझें पहले, तो वो एक फोटोन को पैदा करता है, और वो जो फोटोन होता है प्यारे बच्चों, आप सभी ध्यान दें, वो जो फोटोन होता है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान दें सभी कि फोटोन हमारा जनरेट होता है, ठीक है, और फोटोन जो है हमारी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, 7 तरीके की ईएम वेव्स हैं, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, आपको सारी पता है, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब भी एक चार्ज ऑसिलेट होता है तो क्या पैदा होता है, फोटोन पैदा होता है, ठीक है, तो फोटोन हमारा पैदा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 6th यूनिट की बात करते हैं, तो 6th यूनिट हमारी आती है प्यारे बच्चों, और 6th यूनिट के अंदर दो हिस्से हैं, एक का नाम वेव है और प्यारे बच्चों दूसरे का नाम रे है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, कहानी वही है कि हमारा चार्ज था, पैदा हुआ, फिर उसके बाद चलना सीखा, फिर 3rd यूनिट में उसने मोशन करा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, फिर ऑसिलेट करा तो एसी की बात हुई, ऑसिलेशन से फोटोन पैदा हुआ, और फाइनली हम पहुंच गए वेव के ऊपर। तो वेव में प्यारे बच्चों हमारी वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, आप ध्यान दें, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स कुल मिला के सबसे बड़ी यूनिट हो जाती है ये। पहले 14 मार्क्स इसके अंदर होते थे, अभी कुछ पता नहीं है पूरी तरह से, गाइडलाइन नहीं है अभी कोई, या फिर डिसॉल्व भी कर सकती है CBSE कि भाई आप किसी भी चैप्टर से कितना भी दे दें, लेकिन अभी तक हम यही कंसीडर कर रहे हैं कि 14 मार्क्स का ही आता था, तो 15-16 हम कंसीडर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो वेव्स की बात करते हैं, तो वेव्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स और दूसरा है रे ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स अल्टीमेटली इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के अंदर प्यारे बच्चों जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब आपको पता लगेगा कि इंटरफेरेंस के अंदर हम जो हैं दो स्लिट्स यूज करते हैं और उससे लाइट को भेजते हैं, ठीक है, और वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ठीक है, मेरे ख्याल में विजिबल होगा यहाँ तक। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इन दो स्लिट से भेजी जाती है। अब आप समझ रहे हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, चलना सीखा, ऑसिलेट करा, सारी चीज़ें, सारी कहानी आपको पता है। तो अब यहाँ पर दो स्लिट से हम लाइट को भेज रहे हैं, तो हमने लाइट को भेजा, और लाइट कहाँ से पैदा हुई थी बच्चों, फिफ्थ यूनिट से हमारी लाइट पैदा हुई थी, ठीक है। तो लाइट फोटोन आपको पता, फोटोन 7 वेव्स होती हैं हमारी, तो हर एक वेव का हम फोटोन पैदा कर सकते हैं। फिलहाल इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम शायद हर एक वेव को पैदा कर पाते हैं, गामा रे, एक्सरे, आपको पता पढ़ाऊंगा जब मैं, आपको ये सब पता लग जाएगा, ठीक है। तो वेव के बारे में बात करते हैं, तो वेव में हम यहाँ से जब एक स्लिट, डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है। एक्चुअल में यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को फायर भी करते हैं,
तो वो आपको डिटेल में क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये रियलिटी में होता क्या है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, अब सिंगल स्लिट की बात आती है, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न ही है हमारा, डिफ्रैक्शन पैटर्न उसको बोला जाता है, तो उसमें हम एक स्लिट यूज करते हैं दो के बजाय। ओवरऑल मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं बता रहा इस टॉपिक के बारे में, हम यही कहना चाहते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दो स्लिट से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो आप अल्टीमेटली इतना ही समझ सकते हैं। पोलराइजेशन यानी तीसरा वेव का टॉपिक होता है पोलराइजेशन, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, पोलराइजेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, तो पोलराइजेशन होता है। अब रे में आते हैं, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं बच्चों, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, मेन तो दो ही हैं, बाकी उसके सारे पार्ट हैं। और आपको पता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किससे हुआ है, आप सभी जानते हैं रिफ्लेक्शन भी हमारी विजिबल लाइट से हुआ है और रिफ्रैक्शन भी विजिबल लाइट से ही हुआ है, ये आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, बढ़िया तरीके से आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, हुआ क्या है बच्चों, ईएम वेव ही तो पैदा हुई थी, और वो ईएम वेव ही क्या करवा रही है, विजिबल लाइट पैदा कर रही है, और उससे ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, सारे फिनोमिना रेनबो उसी से बनता है, आप जानते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन TIR उसी से होता है, जादूगर जादू उसी से दिखाता है, तो बहुत सारे फिजिक्स के फिनोमिना उसी से होते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन कोई भी आँखों का भ्रम उसी से पैदा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स हो गई, अब मैं सेवन्थ यूनिट के ऊपर आता हूँ बच्चों, और सेवन्थ यूनिट मैं आपको समझाता हूँ, तो सेवन्थ यूनिट को देखते हैं एक बार, और सेवन्थ यूनिट हमारी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ड्यूअल नेचर क्या है मैटर का और रेडिएशन क्या होगा, क्या इस चैप्टर के अंदर ध्यान से समझना, कहानी वही है, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन चलना सीख रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से थर्ड यूनिट में फील्ड पैदा कर रहा है, EMI में EM वेव के अंदर, EMI के अंदर, वेव के अंदर आपको सब पता है। तो सेवन्थ यूनिट में आते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर क्या होता है, आप थोड़ा सा ध्यान दें, सब्र के साथ सीखें। तो होता क्या है, हम ये जो लाइट पैदा करी थी यार, यहाँ पर जो ये फोटोन पैदा करा था ना, इसको मेटल के ऊपर पटकेंगे लाके, और जैसे ही ये मेटल के ऊपर गिरेगा, बहुत अच्छी आपको इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, तो जैसे ही ये इसके ऊपर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन पैदा होगा और वो इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा। तो कहानी वही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन पर ही हैं अब तक। तो देखें सेवन्थ यूनिट में फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है चलना शुरू कर रहा है और वो मूव कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है। तो इसके स्टडी करेंगे हम, वो कैसे निकलता है, उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, किस तरह से वो मूव करता है, हर एक बात को हम समझेंगे बढ़िया तरीके से, आपको बहुत मजा आने वाला इस यूनिट में, डेफिनेटली कोई नंबर नहीं कटेगा आपका इसमें, कोई भी आप ढंग से मेहनत करेंगे तो एक भी सिंगल नंबर आपका इससे डिडक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्थ यूनिट की, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, एट्थ यूनिट की बात करते हैं। तो एट्थ यूनिट है प्यारे बच्चों हमारी एटम न्यूक्लियाई। अब एटम के बारे में मैं आपको बता देता हूं, और फिर नाइन्थ यूनिट है, टेंथ भी बता ही दूंगा मैं आपको, पर वो डिलीट हो गई है, पर थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो एटम की बात हो रही है, तो एटम न्यूक्लियाई दो चैप्टर आते हैं इसके अंदर, तो थोड़ा सा सब्र करें, देखिए। तो एटम न्यूक्लियाई यूनिट के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है वही इलेक्ट्रॉन, कहानी वही है यार सारी। होगा क्या अब की बार, अब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन ने ऊपर से नीचे छलांग मारी, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे, अगर आपको ऊपर से उठा के फेंक दो नीचे तो आपके प्राण निकल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो होता क्या है, हम सीधे शब्दों में इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, हमने ऊपर से इलेक्ट्रॉन को नीचे पटक दिया तो वो क्या करता है बच्चों, एक फोटोन को एमिट करता है, फोटोन पैदा होता है, फोटोन क्या था, लाइट से बिलोंग करता है, ईएम वेव से फोटोन को पैदा करता है, और वो जो फोटोन है वो हमारा 7 ईएम वेव्स हैं, उनमें से किसी से भी बिलोंग कर सकता है, 7 से तो नहीं बिलोंग करेगा एक्चुअली बच्चों, वो बिलोंग तो करेगा हमारा इंफ्रारेड से, अल्ट्रा वायलेट से, विजिबल से, ठीक है, और किसी से नहीं करेगा, लेकिन आप समझने के लिए कह सकते हैं कि वो 7 से बिलोंग करेगा, लेकिन वो 3 से ही बिलोंग करता है क्योंकि वो
इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, गामा कैसे पैदा होती है सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझें। तो एटम, एटम न्यूक्लियाई हमारा चैप्टर हो गया, न्यूक्लियस की भी डिटेल में हम इसमें स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर और थोड़ा सा समझ लें, सेमीकंडक्टर और लास्ट में आपको एक और समझाऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों। तो सेमीकंडक्टर की बात हो रही है प्यारे बच्चों, सेमीकंडक्टर, तो अब यार ये सेमीकंडक्टर क्या, अब हमने इलेक्ट्रॉन को सब कुछ कर लिया, इलेक्ट्रॉन को पैदा करा, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया, इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, ओसिलेट हुआ, फोटोन बनाया, वेव बनाई, पूरी कहानी हमने तैयार कर ली है। अब सेमीकंडक्टर में जाते हैं, अब हमें मोबाइल फ़ोन भी तो चाहिए यार, वीडियो कैसे बनाएंगे वरना, ठीक है, माइक भी तो चाहिए जो लगा रखा, वीडियो कैसे बनेगी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होगी जब हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलना शुरू करेंगे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना ढंग से सीखेंगे, तो हमारी कौन सी यूनिट तैयार होती है बच्चों, सेमीकंडक्टर तैयार होती है, जिसके अंदर हम ढंग से, यानी एक ऐसे कंडक्टर को लेते हैं ना, जो कंडक्टर है ना, क्या है, इंसुलेटर है, उसको लेते हैं और उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं। तो वो भी मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉन की ही कहानी है, उसके अंदर भी डायोड्स आएंगे, गेट्स आएंगे, गेट्स अभी डिलीट हो गया। तो सेमीकंडक्टर को बहुत बढ़िया मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरी अच्छे से समझाऊंगा कि सेमीकंडक्टर क्या है, और पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन की ही उसमें चलेगी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट रहेगी इधर से उधर, वो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ओवरऑल वहाँ पर भी कहानी प्यारे बच्चों एक ही है, इलेक्ट्रॉन्स की ही है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी अलग यूनिट होती है, बचपन में भी आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होता, 10th क्लास में भी। लास्ट हमारी कम्युनिकेशन है बच्चों, तो कम्युनिकेशन है प्यारे बच्चों, कम्युनिकेशन, और ये अभी डिलीट हो गई है, तो फिर भी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि अच्छे तरीके से पता नहीं है क्या होगा इसके अंदर और क्या नहीं होगा, रहेगी या नहीं रहेगी। तो कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो थोड़ा कम्युनिकेशन को और समझ लो। कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो वेव बनाई, वेव, अब यार हमें जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, जो हमारा ऑडियो सिग्नल होता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, वो थोड़ी दूर चलता और डेड हो जाता, थोड़ी दूर चलता और डेड हो जाता, एक बुड्ढे की तरह होता है और वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता, उसे रेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन के अंदर हम लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल बनाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बनाते हैं, और उसके अंदर भी सारा चक्कर यही होता है, जैसे हमारी हल्की वेव होती है, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी से किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा उसके अंदर ओवरऑल प्रोसीजर होता है, उसको कम्युनिकेशन में हमारे अलग अलग मोड हैं कि पूरे वर्ल्ड में कैसे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाया जाए, बेस्ट मेथड क्या है कम्युनिकेशन का, सैटेलाइट क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, सारी चीज़ें जो भी आप देखते हैं, कैसे इंटरनेट काम करता है, सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, सारी चीज़ें ये उसके अंदर होती हैं 10वीं यूनिट के अंदर। तो प्यारे बच्चों मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हमारी 10 यूनिट्स का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, स्टैटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, पहले स्टैटिक्स पढ़ाऊँगा और अच्छे से हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचाओ, ताकि हम जो हैं भाई अच्छे से काम कर पाएँ। देखो बच्चों बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन आपको डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन से। देखो बुरा वक्त इसीलिए आता ताकि कुछ ना कुछ अच्छा हो सके। देखिए आपके माँ बाप हैं, उनकी भी कुछ की भाई रोज़गार पूरी तरह से छिन गए होंगे, तो इसलिए हम फ्री प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं कि भाई बच्चे पे भी नहीं कर पाएंगे अगर हम उनसे चार्ज करेंगे। तो आप हमारे वर्क को अप्रिशिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना इसको फैलाएं, ताकि हमें भी हिम्मत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मैं टेक्नोलॉजी आदमियों को एम्प्लॉय कर पाऊँ, दो चार को थोड़ा बहुत कुछ पैसा आए तो, कि भाई हम वीडियो बना पाएँ इस तरह की और बढ़िया तरीके से और अच्छी क्वालिटी की। अभी हमारे पास जितने संसाधन हैं प्यारे बच्चों, हम उस हिसाब से वीडियो जो है डेवलप कर रहे हैं, क्वालिटी वाइज भी ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, और जो आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन कहीं पढ़ भी रहे हैं तो उनको भी दिखाएं आप,
डेफिनेट सी बात है, हम बेस्ट ऑफ बेस्ट पढ़ाएंगे, कोई समय ऐसी नहीं होगा कि हम ये टॉपिक छुड़वा दें या वो टॉपिक छुड़वा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। जब तक मैं पढ़ाऊँगा टॉप क्वालिटी का पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ें। आप किसी भी टीचर से यूट्यूब पर सर्च करें, जो आपको बेस्ट लगे उससे पढ़ें, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, हम भी फैमिलियर हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। अब मेरे को भरी क्लास पढ़ाने की आदत है, इतने सालों से, 11 साल से मैंने भरी क्लास पढ़ाई है, 60-70 बच्चों की क्लास होती है ट्वेल्थ की, और अब मैं एकदम से ऐसे बिल्कुल खाली स्पेस में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कुछ क्लास इसके अंदर, बाकी आपको डेफिनेटली 100% फुल मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ हमारे वर्क को अप्रिशिएट करें और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1000 जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर होंगे बच्चों, मैं आपको लाइव पढ़ा पाऊँगा, और उस लाइव पढ़ाने का मज़ा क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं आपकी कमेंट ले पाऊँगा, आपसे फेस टू फेस जो है कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, ठीक है, इतना ही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।